Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel, The Tamang Daughter. This is Sonia Tamang. Guys, welcome to part 3 of वेडिंग व्लॉग. ये फाइनल व्लॉग होने वाला है गाइस. आई होप कि आपको वीडियोस देख के मज़ा आ रहा होगा. सो इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बटन. तो गाइस, जैसे आपने यू नो लास्ट में देखा था कि हमने वेलकम वगैरह कर लिया था, तो अब जो है होगा खाना पार्टी, डांस पार्टी, सब कुछ होने वाला है. तो ये क्यूट सी क्यूटी पाइस है मेरी मम्मी की साइड से. सारे मेरे ब्यूटीफुल कजिन्स हैं, बहुत ही छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहुत ही प्रिटी बन के आई थी. तो ये लोग खाना खा रहे थे, तो अभी यू नो ऑलमोस्ट लंच टाइम हो चुका है गाइस. तो सब लोग खाना खा रहे हैं, और जो लड़का और लड़की है वो ड्रेस चेंज करने गए हैं. जो माँ के घर से कपड़ा आया होता है वो अभी वो लोग पहनने वाले हैं. तो मैं बस पूरा खाना का एरिया को यू नो देख रही थी कि सब लोग ठीक से खाना खा रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए वगैरह. तो आई वॉज़ हेल्पिंग आउट, एंड एज़ यूजुअल यू कैन सी माई ब्रदर जस्ट यू नो चिलिंग, डांसिंग एंड वाइबिंग. एंड यू नो वॉट, मुझे ना शादियों में बच्चे बहुत पसंद है, बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे आए रहते हैं. एंड यहाँ पे है मेरे भेना के भाई दादा, दिनू दादा, और मेरे भेना भी आए थे. दोनों बाइक में आए थे बागडोगरा से दार्जिलिंग. कैन यू इमेजिन, सच एन एडवेंचर मैं तो कहूँगी. लेकिन हाँ, बाइक वगैरह में आएंगे तो ऑब्वियसली मस्त सा व्यू वगैरह सब इन्जॉय किया होगा. तो बस बच्चे लोग यू नो खेल रहे हैं, साबी और यू नो मेरे भेना रेडी होने गए हैं. एक भेना रेडी हो रहे और दूसरे भेना खाना खा रहे हैं. और यहाँ पे हमारा लाड साहब शिवांश जो है मस्त खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था, और टीवी में देख के साबी को यू नो पहचान रहा था. तो बाय दिस टाइम साबी और भेना रेडी हो के आ गए हैं. ओ क्यूटी पाई, बस कैमरा देखा नहीं, ही लव्स कैमरा. तो अब क्या हो रहा है हमारे यहाँ, क्या होता है रिसेप्शन में, इट्स नॉट जस्ट कि आप आए, गिफ्ट दिए और चले गए, ऐसा नहीं होता है. खादा यू नो लगाया जाता है, जो सब लोग यू नो आप देख पा रहे हो वाइट में है, गोल्डन में है. तो ये सब खादा पहले पहनाया जाता है, फिर विश किया जाता है, फिर यू नो गिफ्ट्स वगैरह है तो दिया जाता है. सो दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन. ये है साबी के और बेना के भी फ्रेंड जो कि बहुत दूर से आए थे. और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग मस्त, कोई डांस कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, मतलब ऐसा ही होता है गांव में शादी. ये देखो इस बंदे को देखो, ये है खाता है और फिर मस्त है ना. तो बस शिवांश भी हमारा एंजॉय कर रहा था. ये वीडियो मैंने देखी है ना, शिवांश की बहुत याद आ रही है. आई वॉन्ट टू गो एंड मीट शिवांश. तो शिवांश अभी आके साबी और भेना के साथ बैठ रहा है, बच्चे होने का मस्त लुफ्त उठा रहा है. एंड मुझे थोड़ा भूख लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया, ले लिया था और बस खा लिया था. और यहाँ पे दिन का मस्त डांस कर रहे थे सारी लड़की वाले से. एक लड़की ने उन्हें करके अच्छे से डांस कर लिया था. अब है टाइम टू यू नो एक्सचेंज रिंग्स एंड केक कटिंग. तो लेट्स सी दैट गाइस. यहाँ पे फोटोग्राफर्स वगैरह फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, पार्टी करने वाले एक पार्टी कर रहे हैं. और मैं भी अभी थोड़ा जल्दी जल्दी खा के बस खा ही रही थी, फिर ये स्टार्ट हो गया तो मैं खाने को आधे में छोड़ के स्टेज में चली गई. सो गाइस, केक कटिंग, रिंग एक्सचेंज, गिफ्ट एक्सचेंज सब होने के बाद फिर से वही स्टार्ट हुआ. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि मैं एंट्रेंस में खड़ी होके एक एक फैमिली को एक एक बार भेज रही थी. क्योंकि क्या होता है
कि कोई आके ऑलरेडी स्टेज में है, विश वगैरह कर रहा है, तो फोटोग्राफर्स को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि नेक्स्ट पर्सन भी आ रहा था, फिर तीसरा पर्सन भी आ रहा था. तो आई वॉज़ फुल ऑन टू स्टेज में, मैं साइड में खड़ी होके उसका मैं ध्यान रख रही थी. और फिर बाद में मैं खाने का भी ध्यान रख रही थी. उतने में हमारा डांस शुरू हो गया. एंजॉय सम डांस. सो गाइज, मोस्टली सारे गेस्ट ने आके विश करके गिफ्ट दे दिया था. अब थोड़ा फ्री हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं भी गिफ्ट दे देती हूँ. आपने देखा होगा मैंने क्या गिफ्ट दिया. आपने, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने क्या गिफ्ट दिया है. और ये है ओनर इस जगह का, तो मैं साबी से इंट्रोड्यूस भी करवा रही थी. एंड आपको फिर से थोड़ा सा डांस का एंटरटेनमेंट देते हुए एंजॉय. सो गाइस, इस टाइम पे ना दोजू ने व्लॉग करना स्टार्ट किया था और उस बेचारी ने टाइम लैप्स में पूरा व्लॉग ले लिया है. इट्स ओके. और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बाहर आए थे क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही थी, मतलब दार्जिलिंग में गर्मी हो रही थी. कैन यू इमेजिन हमने कितना नाचा होगा. सो गाइस, देखते ही साबी और भेना का घर जाने का टाइम भी हो गया. और ये हमारा एक रिचुअल है जिसमें भाई लोग इनको ऐसे उठा के बाहर तक लेके चलते हैं. तो अब बहुत सैड हो रहा है गाइस क्योंकि वो लोग जा रहे हैं. राहुल उसका क्या याद है? अर्को तर बिदा गर्दा चाहिँ माथि बढे हेर्नु पर्दो रहेछ, तब मात्रै रुन आउँदो रहेछ के. थपनी दिएन त अन्त अर्को आसिन आइदेको फोकस चाहिँ अगाडि भयो. सबै कोर्न जो भइसक्यो. डिड यु हैड योर सो बाय बाय नाना. बाय बाय. बाय.
भाई गर्नुस् न अन्त ल अघि गर भक्ति त भित्र किन आइरहनु रुकिरु भन्दै छ मलाई ए न बाय साबी साबी बाय बाय ए चरेक छैन चरेक छैन सो गाइज ब्राइड एंड ग्रूम अपने घर चले गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पेट पूजा करके थोड़ा सा और आफ्टर पार्टी करने वाले हैं। सो गाइज इसी के साथ हमारा शादी व्लॉग सीरीज समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।